व्हेनेवर टू प्रोग्रेसिव वेव्स हमने की थी, कोई आइडेंटिकल वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड वेवलेंथ सब सेम रहती है उसको प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। तो जब दो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं एंड ऑफ सेम वेवलेंथ लेंथ एम्पलीट्यूड सेम वेलोसिटी किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अगर दो प्रोग्रेसिव वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज करती हैं तो रिजल्टेंट जो नई वेव आती है उस वेव को क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। देखो डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती कि स्टैंडिंग वेव को स्टैंडिंग वेव बोलते क्यों हैं, इसका रीज़न है ये नॉर्मल प्रोग्रेसिव वेव क्यों नहीं है, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ती नहीं है, खड़ी रहती हैं, इसका नाम स्टैंडिंग वेव इसलिए है। पर ये खड़ती कैसे हैं, ये आम वेव की तरह एनर्जी को आगे प्रोपगेट क्यों नहीं कर पा रही, इसका आंसर आपको मिलेगा जब हम इसे बनाएंगे। तो स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन से ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, हम स्टैंडिंग वेव बनाते हैं। स्टैंडिंग वेव्स जो हैं हम दो एग्जांपल्स यूज करेंगे स्टैंडिंग वेव में और दो जगह बना के देखेंगे। पहला हम स्टैंडिंग वेव बनाएंगे ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। ट्रांसवर्स का मतलब एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर, ट्रांसवर्स का मतलब क्रेस्ट और ट्रफ। तो ट्रांसवर्स वेव है क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में है जो स्ट्रेच स्ट्रिंग में होती है। तो वेव पल्स जारी है और जैसे गिटार की स्ट्रिंग है टाइट है, वेव पल्स जनरेट हुई जारी है, जो कोने का जो उसका कोना है स्ट्रिंग का वो टाइट है फिक्स्ड है, टकरा के वही वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, जाने और आने वाली वेव आपस में सुपर इम्पोज हो रही है, तो स्टैंडिंग वेव जनरेट हो सकती है मिलने के बाद। दिखने में कैसी है अभी बताऊंगा। तो ये एग्जांपल है स्ट्रेच स्ट्रिंग में हम जनरेट करके देखेंगे। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग गिटार की स्ट्रिंग है, खिंची हुई रस्सी है या एक इक्विपमेंट है फिजिक्स में लैब में पड़ा होता है सोनोमीटर, सोनोमीटर में स्ट्रेच स्ट्रिंग यूज होती है, वो क्या है आने वाले टाइम में बताऊंगा। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर जो वेव जनरेट होंगी उसमें हम बना के देखेंगे स्टेशनरी वेव कैसे बनती है। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल में, लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, हवा में साउंड का जनरेट होना लॉन्गिट्यूडनल है, कंप्रेशन रेरिफेक्शन उनमें भी जनरेट होती हैं, उनमें भी जनरेट करेंगे, उनमें किन में जनरेट करेंगे, एक पाइप लेंगे, पाइप के अंदर ऑर्गन पाइप बोलते हैं उसे, ऑर्गन पाइप या पाइप के अंदर जनरेट करके देखेंगे। तो ऑर्गन पाइप या पाइप के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव जो जनरेट करके देखेंगे वो कुछ ऐसी होगी, जैसे ये पाइप है तो पाइप के अंदर जो एयर के पार्टिकल्स हैं ये मोशन में आ जाएंगे और स्टैंडिंग वेव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये आने वाले टाइम में भी बताऊंगा, अभी वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो पाइप का एग्जांपल के अंदर वो कह रहे हैं वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इन पाइप्स। तो पाइप के अंदर जो हवा है एयर है इसको एयर कॉलम बोलते हैं। तो पाइप के एयर कॉलम के अंदर स्टैंडिंग वेव को हम जनरेट करेंगे। उसी तरीके से कुंड्स ट्यूब या हमारे सिलेबस में नहीं, हम नहीं करेंगे इसे, पर हाँ लैब के अंदर इक्विपमेंट है जो पाइप यूज करते हैं जिसके अंदर स्टैंडिंग वेव जनरेट होती हैं। और रेजोनेंस ट्यूब भी यही ट्यूब है, रेजोनेंस ट्यूब जिसके अंदर पाइप के अंदर एयर के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और स्टैंडिंग वेव जनरेट करते हैं। तो आने वाले टाइम में मैं क्लियर कर दूंगा कि कहाँ कहाँ स्टैंडिंग वेव जनरेट होंगी, बट इतना समझ लें दो जगह स्टैंडिंग वेव जनरेट करके देखेंगे आज हम, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर और एक पाइप के अंदर, दैट्स इट। कैसे बनेगी वो भी टाइम के साथ बनाऊंगा। ठीक, क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक?